दिया रॉकी ने पुलिस को चकमा, किस तरफ रुख किया रॉकी की शिप ने। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति और बॉलीग्राड स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे यकीन है कि अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। आपको KGF 2 का वो सीन तो याद होगा जब रॉकी सारे सोने के साथ समंदर में डूब जाता है। क्या पानी में वो सच में डूब गया? क्या ये रॉकी की जिंदगी का अंत था या ये कोई स्ट्रैटेजी है पुलिस को चकमा देने की? जी हाँ दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों के जवाब लेकर बहुत जल्दी सिनेमाघरों में आने वाली है KGF 3, और उसकी कहानी वहीं से शुरू होगी जहां से KGF 2 की कहानी खत्म होती है, यानी कि उसी समंदर से। मुंबई के सबसे बड़े सी यानी कि अरेबियन सी में रॉकी अपने आप को CIA एजेंट और पुलिस से घिरा हुआ पाता है, और जैसे ही पुलिस ऑफिसर रॉकी को स्पॉट करते हैं वो उसके शिप पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, और इसी फायरिंग की वजह से शिप आउट ऑफ कंट्रोल होकर पानी में धीरे धीरे डूबने लगता है। और ऐसी एक गोली रॉकी को भी लगती है जो उसके हाथ को चीर कर निकल जाती है, और उसकी वजह से वो अपना बैलेंस खो देता है और पानी में डूब जाता है, और उसके जख्म से निकला हुआ खून आसपास के सारे पानी को लाल कर देता है। ऐसे में पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि रॉकी मारा गया, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए वो समंदर में एक सर्च ऑपरेशन चलाते हैं और गोताखोरों को सख्त हिदायतें दी जाती हैं कि कुछ भी हो जाए रॉकी और शिप को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। एक अमेरिकन ऑफिसर कहता है कि आधे इधर देखो आधे उधर देखो, समंदर का कोई भी कोना बचना नहीं चाहिए। और ऐसी ही कोशिश में एक गोताखोर को एक शिप दिखाई भी देता है। ये वही शिप है जिसमें रॉकी और सोना डूब गए थे। वो अपनी सीटी बजाकर बाकी गोताखोरों को इस बारे में बताता है। वो सब लोग उस शिप को अच्छे से खोजते हैं लेकिन उन्हें रॉकी या सोने का कोई नामोनिशान नहीं मिलता, और वो आकर अपने ऑफिसर्स को बताते हैं कि शिप वर्किंग कंडीशन में नहीं है इसलिए उसे ऊपर नहीं ला सकते। तब ऑफिसर्स उन्हें ये कहते हैं कि शिप को छोड़कर उन्हें रॉकी और सोने को ढूंढना चाहिए, और गोताखोर ऐसा ही करते हैं। बहुत मशक्कत, बहुत कोशिशों के बाद एक गोताखोर को पानी में एक चमकती हुई चीज़ नज़र आती है, और वो बहुत कोशिश करता है उस चीज़ को ढूंढने की, उस चीज़ को पकड़ने की, लेकिन वो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। पर अंततः वो उस चीज़ को पकड़ लेता है और उसे पता चलता है कि ये कुछ और नहीं सोने का बिस्किट है। जी हाँ, सोने का बिस्किट। उसके दोस्त या बाकी गोताखोर उससे पूछते हैं कि कुछ मिला क्या, तो वो उस बिस्किट को दिखाकर कहता है कि हाँ ये मिला है। ऐसे में एक गोताखोर उन्हें KGF 2 की वो कहानी याद दिलाता है जब अपने 500 ग्राम के सोने के बिस्किट के लिए रॉकी ने पूरा पुलिस स्टेशन तबाह कर दिया था। वो गोताखोर कहता है कि जब मैंने पहली बार रॉकी को देखा तो उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी, पर उसके चेहरे पर कोई डर या शिकन का नाम और निशान भी नहीं था। वो उन्हें हिदायत देता है कि सोने को यही छोड़ दो क्योंकि रॉकी यही कहीं है, वो हमें देख रहा है, और अगर हमने ये सोना लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसे में सब गोताखोर डिसाइड करते हैं कि वो ऊपर जाकर कहेंगे कि उन्हें कुछ नहीं मिला, और वो ऐसा ही करते हैं। जैसे ही सारे गोताखोर और पुलिस ऑफिसर्स पानी से बाहर चले जाते हैं, समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। बहुत तेज़ आंधियाँ चलने लगती हैं और लहरें किनारों तक पहुँच जाती हैं, और तभी वो शिप जो पानी में डूब चुका था सीधा हो जाता है और सतह पर आकर चलने लगता है। और तभी हम स्पॉट करते हैं किसी व्यक्ति को जो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर आ गया है शिप के, और वो कोई और नहीं हमारा अपना फेवरेट रॉकी ही है। और वो जैसे ही हाथ फैलाता है सारा सोना उसके शिप में मैग्नेट की तरह आ जाता है, और वो कहता है रॉकी इज बैक। जी हाँ, रॉकी इज बैक। और वो अपना शिप अब दक्षिण की ओर ले चलते हैं जहाँ वो अफ्रीका में पहुँच जाते हैं। अब अफ्रीका में कैसे वो अपना एम्पायर सेट करेंगे, कैसे एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस वो वहाँ बनाएंगे, ये देखने के लिए हमें KGF 3 का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब आपको करना ये है कि मुझे बताना है कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए। कमेंट कीजिए, बहुत सारे ढेर सारा लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सिनेमा देखते रहें। नमस्ते।